क्या आप बहुत देर से ऐसी मूवी सर्च कर रहे हो जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सको? तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कुछ दिन पहले एक न्यू मूवी रिलीज हुई थी, वाजा बायोपिक ऑफ अ बिलियंस बॉयज, ये मूवी का नाम है। मूवी की स्टोरी कैसे टाइप की होगी मैं आपको शॉर्ट में आइडिया बता देता हूँ कि स्कूल में आपको तो पता ही होगा कि सबको फर्स्ट बेंचर दिखते हैं और बैक बेंचर्स दिखते हैं, मिडल बेंचर्स तो कोई गिनता ही नहीं है। तो ये फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है कि फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिख के अच्छे बन जाते हैं और इनको फॉरेन में अच्छी नौकरी मिल जाती है। बट बैक बेंचर्स के जितने भी बच्चे होते हैं वो मौज मस्ती करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, दिन भर ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं बाहर अपने दोस्तों के साथ। और फिर जब इनकी उम्र 25-26 साल की हो जाती है तब इनको ख्याल आता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, अभी तक हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने बाप के ऊपर जी रहे हैं। तो फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है कि ये बैक बेंचर्स जो होते हैं, 5 दोस्त एक साथ स्कूल में मिल जाते हैं, ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट स्कूल में इनकी लगातार कंप्लेंट आती रहती है प्रिंसिपल से, जिनके कि इनके माँ बाप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तब माँ बाप ने कैसे कैसे करके इनका स्कूल तो कंप्लीट करवा दिया। बट अब जैसे ही स्कूल कंप्लीट हुआ तब इनके माँ बाप ने सोचा कि अब इन लोगों को इनके दोस्तों के साथ रहने नहीं देंगे, अब इनको हम डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनाएंगे जिससे कि अपने करियर में अच्छे से रह सके, तब इनको इनके दोस्तों से अलग करना होगा। तो माँ बाप ने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे बड़े कॉलेज में करवाया। तो बट कॉलेज में जाके भी ये सभी फ्रेंड्स एक साथ मिल गए, उसी कॉलेज में सभी का एडमिशन हुआ है। तब कॉलेज में जाके भी ये सभी लड़कों ने मौज मस्ती करना फिर से स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया। और फिर ऐसे ही करते करते इनके जो पीछे के दोस्त थे जो स्कूल में थे वो सभी की अच्छी नौकरी लग गई, वो सभी अपने जीवन में अब सेटल हो चुके हैं। बट ये सभी पांचों बच्चे जो हैं, पांचों लड़के, ये अभी तक 25-26 साल की उम्र में आके भी अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक ग्रेजुएशन ही इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब इनके फैमिली मेंबर्स, इनके रिश्तेदार इनको ताना मारने लगे हैं कि तुम्हारे लड़के की कमाने की उम्र में अभी तक वो पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आवारा गुंडागर्दी करता रहता है क्या दिन भर? तो ऐसे करते करते माँ बाप काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए और बच्चे जो हैं वो जितने भी लड़के हैं उनको भी अब गिल्टी फील होने लगा कि हम बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर चुके हैं, अब हमारी कमाने की उम्र है, कब तक हम अपने बाप के दम पे जिएंगे। तभी सभी दोस्त क्या मिलके सोच रहे हैं कि हम सभी मिलके एक साथ कोई बिजनेस करते हैं। अब ये अपने माँ बाप से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो सभी रिश्तेदार इनका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो इन लोगों पर अच्छे से हुई नहीं, अब बिजनेस क्या ये ढंग का करेंगे? मतलब और बिजनेस करने के लिए भी लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, मतलब पहले लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है जब जाके प्रॉफिट मिलता है। तो आखिर ये पांचों लड़के कौन सा बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं, और बिजनेस कर भी लिया तो क्या इनका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं? आखिर ये पांचों बच्चे क्या करेंगे अपने जीवन में, ये जानना मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट ये मूवी मैं आपको बोलूंगा आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखनी चाहिए, क्योंकि मूवी में काफी ज्यादा अच्छे सीन्स है। मूवी मतलब फैमिली के साथ देखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आपने अभी तक वाजा बायोपिक ऑफ अ बिलियंस बॉयज मूवी नहीं देखी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लो। हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है और भी 4-5 भाषाओं में डब करिए, देखो और कमेंट में जरूर बताना आपको वाजा बायोपिक ऑफ अ बिलियंस बॉयज मूवी कैसी लगी देखने में।